someone is a sexual predator, he is a sexual predator. बात खत्म. He is a sexual predator. बात खत्म. प्लीज साजिद खान के बारे में मत बोलो. देखो ये लड़की को अगर फिल्म दे दी होती तो ये उसके एकदम नस के बटर लगाता. साजिद खान ने उसको फिल्म में हीरोइन नहीं लिया तो एलिगेशन तो लगाएगी ना भाई. अपने को नहीं मालूम सच क्या है झूठ क्या है. साजिद खान ने अप्रैल 2005 में मेरा यौन शोषण किया था. राखी ने भी ये बात कहा था कि कहीं ना कहीं साजिद के बारे में कुछ अच्छा बोलने से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है. क्या वाकई ये बात सही? मेरी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है हर किसी से. Someone is a sexual predator, he is a sexual predator. बात खत्म. Okay, thank you guys. साजिद खान ने उसको फिल्म में हीरोइन नहीं लिया तो एलिगेशन तो लगाएगी ना भाई. अपने को नहीं मालूम सच क्या है झूठ क्या है. हाँ वो बोलती फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के जा रही है. हाँ तो ऐसे भी तू 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी है. तू कुछ नहीं करी तो तू जा रही है. हिम्मत थोड़ी ना हारने का इंडस्ट्री में रहने का. अभी मैं देखो कितने साल से 50 साल से इंडस्ट्री में हूँ ना. 50 साल से ये कर रहा है. मैं 50 साल से हूँ क्या? 15 साल से हूँ. हाँ 15 साल. हिम्मत आ रही क्या? हमेशा आती हूँ ना. हिम्मत नहीं हारने का और काम करने का, मेहनत करने का, किसी पे दोष नहीं लगाने का, है ना? हाँ कि मैं फिल्म छोड़ के जा रही हूँ ये थोड़े से. देखो साजिद खान को भी अधिकार है अंदर बिग बॉस में. एक्चुअली बिग बॉस बना है साजिद खान जैसे लोगों के लिए, सीरियल वालों के लिए, इनके उनके लिए नहीं बना है. जो कॉन्ट्रोवर्शियल है उनके लिए ही बना है. और वो लड़की को भी बिग बॉस में चांस मिला था तब तो साजिद खान आके बाहर नहीं बोला था. कुछ बोला था क्या? नहीं. साजिद खान बहुत अच्छा खेल रहा है. इधर भी आग लग रहा है, उधर भी आग लग रहा है. अपना पॉपुलू जो है वो सीधा कर रहा है. और सबसे साजिद भाई यू आर रॉक स्टार. दे टुक केयर ऑफ इट. लेकिन इट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम नॉट हैरेसिंग मी ऑन सेट. आई वुड हैव बी द फर्स्ट वन ऑन सेट. आठ बजे में आई वुड हैव बीन ऑन सेट वेटिंग फॉर एवरीबॉडी एंड नो वन वाज ऑन सेट एंड आई वुड जस्ट लाइक वेट द होल डे. कि सच्चाई एक एक इंसान पर एक जन इल्जाम लगाए तो शायद झूठ हो. 50 लोग एक ही इंसान पे इल्ज़ाम लगाए उसमें कुछ तो सच्चाई होगी. किन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, आई सेड इट इन माई ट्वीट ऑल्सो, आई वॉन्ट एवरी वुमन आउट देयर टू कम आउट देयर एंड स्पीक. क्योंकि इफ दे डोंट स्पीक नाउ दे विल फॉर एवर बी सप्रेस्ड. एंड पर्सनली आई हैव नेवर गॉन थ्रू सच एन एक्सपीरियंस बट गॉड फॉरबिड अगर ये मेरे साथ हुआ होता आई वुड हैव नेवर केप्ट क्वाइट. सो विच इज़ वाई आई डोंट थिंक कीपिंग क्वाइट इज द सोल्यूशन एवर. This is something very serious that has happened to somebody. इतने साल पुराने हैं कि there is no proof or evidence left. So I think as women or men, whoever is going through any kind of harassment should come out in the open and talk about it because that's very important. It's disturbing. It's traumatizing the kind of news I've been reading.